कुछ बात है इस मिट्टी में, इस देश में कुछ बात है, कुछ बात है इन अजूबों में, इन पत्थरों में कुछ बात है, कुछ बात है इन रंगों में, इन रिश्तों में कुछ बात है, हर राज्य में हर मोड़ पर SBI का साथ है। SBI सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। तो दोस्तों, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि योनो एप्लीकेशन की मदद से हम जो अपने ATM कार्ड को कैसे अप्लाई करें, यानी कि अगर आपको नया मंगाना है तो योनो एप्लीकेशन की मदद से हम कैसे मंगा सकते हैं और वहां पे हमें कौन कौन से कार्ड के वेरिएंट मिल जाते हैं इशू करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सारा कुछ दिखाएंगे कि हम योनो एप्लीकेशन की मदद से अपने ATM कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे और वहां पे हमें कौन कौन से वेरिएंट, यानी कि जो कार्ड का वर्जन होता है, वो कौन कौन से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना योनो एप्लीकेशन ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे एम पिन डालेंगे और एम पिन डालने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चले जाना, नीचे आना है, यहाँ पे मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, इस पर क्लिक कर लेंगे। और सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, नीचे से दूसरा राइट कॉर्नर पर आपको ऑप्शन मिलेगा ATM डेबिट कार्ड का। तो ATM डेबिट कार्ड वाले पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड देंगे। इसके बाद जो है यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, ATM से रिलेटेड सारे ऑप्शन हमारे सामने ओपन होके आ गए हैं। हमें लेना है नया ATM कार्ड, तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट न्यू एंड रिप्लेसमेंट, ये लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है तीसरे नंबर पे, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक करके जो है यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है, यहाँ पे आपका एक या एक से ज़्यादा जितने भी अकाउंट है वो सारे शो करेगा, तो प्लीज सेलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमारा सेविंग अकाउंट आ गया है और उसमें बैलेंस भी आ गया है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अकाउंट को। इसके नीचे कार्ड और नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो कार्ड के ऊपर हमें नाम चाहिए वो हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। आप अपना खुद का नाम चाहें, किसी दूसरे का चाहें, किसी दुकान शॉप का नाम चाहें, तो वो भी यहाँ पे डलवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अपना ही नाम डाल दे रहा हूँ। इसके बाद जो है नीचे कार्ड टाइप सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप कार्ड की कैटेगरी देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो कार्ड आपको दिखाया जा रहे हैं, मास्टर है, रुपए है, वीजा है, इनमें से कोई भी मंगा सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन हम जो है प्लेटिनम कार्ड मंगा सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन जो है प्लेटिनम कार्ड आप नहीं मंगा सकते हैं। प्लेटिनम कार्ड केवल ब्रांच से ही इशू होता है, वो ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। तो इनमें से आप कोई भी मंगा सकते हैं, चाहे रुपए मंगाएं, वीजा मंगाएं, मास्टर मंगाएं। तो यहाँ पे मैं मास्टर कार्ड सेलेक्ट करूँगा और इसके नीचे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, तो इस पर चेक कर देना है जहाँ पे आपको ATM की डिलीवरी मिलेगी। और इसके नीचे एक चेक बॉक्स है, इसे चेक कर देना है और इसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, हम OTP एंटर करेंगे। इसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, वी विल बी प्रोसेसिंग योर कार्ड रिक्वेस्ट विद रेफरेंस नंबर, आपको ये मिल गया शॉर्टली। तो ये आपका कार्ड जो है वहाँ से अब डिस्पैच कर दिया जाएगा। आपका यहाँ से ATM कार्ड का रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली जा चुका है। अब आपको जो है बाई पोस्ट जो है कार्ड आपके घर पे भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अपना जो है नया ATM कार्ड जो है घर बैठे मंगा सकते हैं। और ब्लॉक कैसे करना है, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा योनो एप्लीकेशन की मदद से जो है ATM कार्ड को अप्लाई करना बता दिया है कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कार्ड के वेरिएंट भी आपको दिखा दिए हैं, कौन कौन से वेरिएंट हमें मिल जाते हैं। प्लेटिनम कार्ड आप जो है ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान है कि ऑनलाइन हमें जो है प्लेटिनम कार्ड नहीं मिल पा रहा है। तो प्लेटिनम कार्ड इशू करता है ब्रांच, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये ऑफलाइन ब्रांच से इशू कराना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए इलिजिबल होंगे तो आपको दिया जाएगा, इलिजिबल नहीं होंगे तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्लेटिनम कार्ड एक नॉर्मल कार्ड नहीं जो हर किसी को मिल जाए, तो ये आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। यहाँ पे काफी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ पे एरर आता है। देखिए, एरर का मैं आपको बता दूं, जब आप कार्ड को इशू करते हैं वहां पे इंटरनेट की स्पीड सही होनी चाहिए, और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड सही होगी तो वहां पे जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो इसी तरीके से आप एक ही बार में अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो वहां पे कुछ एरर आपको मिल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद थोड़ी बहुत देर में या दूसरे दिन जो है ट्राई करके देख लीजिए, तो आपका इसी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट करते हैं, लगभग एक हफ्ते के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे ही आता है हम इसका अनबॉक्स करके भी आपको दिखा देंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर इसमें मिल गए होंगे, आप सीख गए होंगे कि ATM कार्ड को कैसे अप्लाई करना है।
वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड और ज्यादा वीडियो अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकन दबा के जाना, जिससे कि हमारे अगले आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।